ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाओ लगातार जारी है। इसी क्रम में आज घंटा घर पर अमनदीप होटल पर नगर निगम जेसीबी चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। जब पंतजलि जेसीबी के साथ घंटा घर अमनदीप होटल पहुंचे तो अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने अमनदीप होटल द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसमें 4 जेसीबी लगाकर अतिक्रमण को हटवाया गया। होटल पर बने अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने जेसीबी से हटा दिया है और आसपास के अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल बीएस नेगी ने बताया कि जैसा आपको मालूम है कि पूरे सहारनपुर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और इसी स्मार्ट सिटी के काम के उसमें आगे में ये जो रेलवे स्टेशन की जो रोड है अग्रसेन से और घंटाघर पर जो जाती है उसके दोनों साइड में ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, टाइल्स लग रही है, इंटरलॉकिंग टाइल्स लग रही हैं। यहाँ पे ये देखा गया था कि कुछ लोगों ने नाला भी भीतर कर दिया है, 9-9 मीटर 10-10 मीटर नाला अंदर कर दिया गया था। इसी क्रम में आज नगर आयुक्त के आदेश अनुसार और यहाँ पे चीफ इंजीनियर कैलाश सिंह जी जो निर्माण विभाग के हैं उनके साथ में मेरे साथ में अपर नगर आयुक्त राजेश सिंह यादव हैं और अतिक्रमण अधिकारी विनय शर्मा, प्रवर्तन दल में मैं स्वयं हूँ, उसके साथ में पूरी कार्रवाई आज हमने ये करी है। इससे पहले हमने उनसे बात भी करी अपने डॉक्यूमेंट लाने के लिए, उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पे नहीं दिखाया है। और उसके बाद हमने ये देखते हुए कि पूरी अलाइनमेंट रोड का देखते हुए ये पाया गया कि ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसमें जहाँ पे भी निर्माण के कार्य में पहले हम वो ले रहे हैं कि जहाँ पे या तो यातायात पे कोई बाधा ना हो, पहला जो हमारा वो है। दूसरा, जहाँ पे स्मार्ट सिटी के कारण या अन्य कारण से अगर निर्माण कार्य हो रहा है और वहाँ पे वो बाधा डाल रहे हैं तो हम उसको पहला कर रहे हैं ताकि निर्माण कार्य और उसकी प्रगति में कोई प्रभाव न पड़े। ये अभियान हमारा लगातार, ये प्रोग्राम हमारे निकले हुए हैं, आज भी हमारा प्रोग्राम निकला हुआ था और उसी प्रोग्राम के मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।